फिरोजाबाद की एक ऐसी जगह जहां आए दिन होते हैं हादसे। अक्सर यहां ट्रेन से कट जाते हैं लोग, ट्रेन की पटरी से होकर गुजरते हैं स्थानीय निवासी। पानी भरने के लिए करनी पड़ती है लाइन पार। साइकिल मोटरसाइकिल लेकर पार करते हैं पटरी और उसी ट्रेन से कटकर हुई 2 साल के मासूम की मौत। आखिर इन सब घटनाओं के लिए कौन है जिम्मेदार? रेल विभाग में भी वो सूचना दी है पर कोई सुनवाई नहीं है। 4 दिन पहले एक और घटना हुई थी, आज एक बच्चा कट गया है। 1 या 2 साल के बीच में होगा बच्चा सर। अब आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग ये मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाएं और यहाँ पर एक निकास कर जरूर कर पे। हम लोगों की सब लोगों की सही हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, बस हम लोग निकास चाहिए, छोटा सा दे दो हमको निकास। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 48 शिवनगर लाइन पार के निवासी रोजाना मौत का खेल खेलते हैं। दरअसल वार्ड संख्या 48 शिवनगर नई आबादी है, जहां अभी तक बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को लाइन पार करके पानी की आदि की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, जिसकी भेंट आज एक 2 साल का मासूम चढ़ गया। पानी की दिक्कत है, बालक जो माँ बाप निकलते रहते हैं पानी आने के लिए, बच्चे भी देखते हैं, आज एक बच्चा भी कट गया है। ये हादसा तब हुआ जब एक महिला लाइन पार कर पानी लाने गई थी और बच्चे ने उसे पटरी पार कर जाते हुए देख लिया। खेलते खेलते बच्चा अपने 4 साल के भाई के साथ ट्रेन की पटरी के पास पहुंच गया और ट्रेन के नीचे आकर कट गया। अब यहां 2 सवाल उठते हैं, एक नगर निगम पर और दूसरा रेलवे विभाग पर। पहले रेलवे की बात करते हैं। रेलवे विभाग को चाहिए कि रेलवे लाइन के किनारे बाउंड्री वॉल या फेंसिंग करे, जिससे रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पटरी पार न करें। अब नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को वहां पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वहां के निवासियों को पानी के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। हम लोगों की बड़ी समस्या है सर, मजबूर हैं, हमारे बच्चे कटते रहते हैं, बड़े बूढ़े कट जाते हैं यहाँ पर। हम लोगों के दिल में बहुत दर्द है मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। शिकायत देखो हमारे पार्षद जी हैं, उनको भी दी है नगर ने। क्या नाम है पार्षद का? गुलशन जी हैं, उनका नाम है गुलशन कुमार। और आते हैं, कह जाते हैं कि भैया हमने लिखित में दे दी है, मगर लाइट के लिए जाओ तो लाइट भी नहीं है, पानी के लिए जाओ पानी के लिए भी नहीं। अगर हम जाते हैं तो एक टैंकर भेज देते हैं 4-4, 5-5 दिनों में, वो भी यहाँ पर छीना झपटी होती है। पानी की समस्या, लाइट की समस्या, खरंजा की समस्या, गली नहीं है, और सबसे ज़्यादा सर यहाँ पर निकास तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे बच्चे कट जाते हैं, गाय कट जाती हैं यहाँ पर, सभी लोग कट दे रहे हैं। इसे लेकर जब हमने नगर निगम के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि नगर निगम द्वारा वहाँ एक नलकूप लगाया गया है, लेकिन बिजली की लाइन न होने के कारण अभी तक उसे शुरू नहीं किया जा सका है। हालांकि नगर निगम द्वारा प्रतिदिन टैंकर द्वारा जल आपूर्ति की जा रही है। इसे लेकर हमने जब जलकल विभाग के अधिकारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। वार्ड नंबर 48 जो शिवनगर है, वहां पर आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है, कितना समय हो गया उस ट्यूबवेल को लगाए हुए? उसमें अभी ट्यूबवेल लगा नहीं है, ऐसा है कि वो नया एरिया है जी। नया बढ़ा हुआ एरिया है जी। उस क्षेत्र में कोई पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई पानी की नहीं है जी। और वहीं उनको पानी देने के लिए एक नलकूप सेंक्शन हुआ है। यहाँ पर अब तक तो नलकूप चालू नहीं हुआ, एक समस्या, और लोग लाइन पार करके जो है वो दूसरे तरफ आते हैं, दूसरे एरिया में आते हैं और वहां से पानी लेकर के जाते हैं। इसकी वजह से आज एक बच्चे की वहां पर मौत हो गई है, 2 साल का बच्चा है। जब लोग लाइन क्रॉस करके वहां पर जाते हैं तो ऐसे हादसे आए दिन वहां पर होते रहते हैं। आज 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हुई है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसके बारे में बता दूं मैं, जब तक वहाँ जलापूर्ति नहीं हो जाती, क्योंकि वहाँ नया एरिया है, मैं बताऊँ वहाँ को जलापूर्ति थी नहीं जी। और नलकों का निरंतर काम चल रहा है जी। बोरिंग होने के बाद में, बोरिंग के बाद में कंप्रेसर लगता है, फिर ओपी यूनिट लगती है, बोर साफ हो गया है, सब कुछ काम हो गया है, पंप हाउस बनना शुरू हो गया है उसका जो पंप हाउस। दूसरा, उनको जब तक उनको पानी उपलब्ध कराने के लिए, मेरे प्रतिदिन उनकी मांग पर, उन पर सब पर नंबर भी है, डेली 4-3-4-3-4 टैंकर डेली जाते हैं। हम टैंकर से वहाँ जलापूर्ति कर रहे हैं, आज भी वहाँ 4 टैंकर गए हैं और एक टैंकर वहाँ खड़ा है, आप उसको देख सकते हैं।
नहीं हम उनके लोगों ने हमें बताया है टैंकर जाते हैं, ये भी बात आपकी सच है टैंकर जाते हैं, लेकिन उस टैंकर से उनकी समस्या पूरी नहीं हो रही है। टैंकर जा रहे हैं लेकिन वो पानी की आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कितने समय के अंदर वो नलकूप चालू हो जाएगा? इसको मैं कोशिश करूंगा, बिजली विभाग में मैं खुद संपर्क करूंगा व्यक्तिगत रूप से जी उनसे करके कि जल्दी से जल्दी हमें वो लाइन दे दें और हम विद इन 15 डेज 15 से 20 दिन में मैं उसको नलकूप को चालू कर दूंगा, सबको पानी मिल जाए। चलिए ठीक है, ठीक मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी से जल्दी ये नलकूप चालू हो, मेरी प्रायोरिटी रहेगी इस पे। अब देखना यह है कि आखिर कब तक लोगों को इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा और कब तक जलकल विभाग वहां के लोगों को नलकूप का पानी मुहैया करा पाएंगे।